हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देवभूमि करियर पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी लोगों के कमेंट आ गए हैं, सर जो आयु संबंधी प्रश्न आते हैं रीजनिंग में, प्लीज़ उनका सॉल्यूशन दे दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आयु संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, या तो आयु के योग पे ही बनते हैं या अनुपात पे ही बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आज मैं आपको इसमें आराम से बताऊंगा अनुपात वाले क्वेश्चन को कैसे हल करना है आपने, ठीक है, और आयु में जो योग संबंधी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप कैसे हल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादा टफ नहीं होते ये क्वेश्चन, आप ज़्यादा इस पर दिमाग पर जोर मत डालिए, काफ़ी ईजी मेथड से ये क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। बस एक बार आप वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखें फ्रेंड्स, एनालिसिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स। देखिए, वीडियो देखने से एक बार में मैथ या रीजनिंग नहीं आएगी, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ और रीजनिंग उतनी ही क्लियर होगी, ठीक है। जहाँ पे कॉन्सेप्ट में आप अटक जाते हैं वहाँ पे आप वीडियो का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने मात्र से ही आपको मैथ या रीजनिंग आ जाएगी, ऐसे मतलब धोखे में मैं आपको नहीं रखना चाहूँगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग का बस एक फॉर्मूला है, जितनी प्रैक्टिस उतना ही माइंड साफ होगा, उतना ही क्लियर होगा, ठीक है टॉपिक। तो चलिए मैं इसमें आपको बताऊंगा कैसे आसानी से आप अनुपात वाले और योग संबंधी आयु संबंधी जितने भी प्रश्न होते हैं उनको हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इसी टाइप के अमूमन क्वेश्चन आते हैं। मैं बात करूँ VPDO एग्जाम की, वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते अदर एग्जाम से, जैसे मैं बैंकिंग की बात करूँ, SSC की बात करूँ, या कोई भी ऐसा सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम जहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है। इसमें जो लेवल है काफ़ी ईजी लेवल है VPDO के रीजनिंग में, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:3 है, यदि दोनों की वर्तमान उम्र 40 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी फ्रेंड्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आपने क्या काम करना है, देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आपने भी बना लेना है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिए मैं डिस्प्ले पर आपको बता सकता हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर आपने बनाना है। तो इसमें सबसे पहले एक तरफ क्या करना है, राम लिख लेना है, ठीक है। दो लोगों की आयु की बात हो रही है, इस तरफ राम हो गया और इस तरफ हो गया श्याम, ठीक है फ्रेंड्स। तो राम और श्याम की आयु ज्ञात करनी है हमने इसमें, तो इनके आयु का अनुपात दिया है। देखिए राम की आयु का अनुपात क्या है, 5 है, श्याम की आयु का अनुपात 3 है फ्रेंड्स, और उनकी आयु का जो योग है फ्रेंड्स, दोनों की वर्तमान उम्र का जो योग है, यहाँ पे मैं योग लिखना भूल गया, दोनों की वर्तमान उम्र का योग 40 वर्ष है, तो यहाँ पे आपने लिखना है 40, ठीक है, आप इसको फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने बताया है, यहाँ पे चार्ट बनाया ना, इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखिए। तो देखिए राम मैंने बता दिया 40 वर्ष, दोनों की आयु का योग हो गया, ये राम का अनुपात है, ये श्याम का अनुपात है। तो इसमें जो पहला स्टेप आपने करना है फ्रेंड्स, देखिए जो अनुपात दिया है क्वेश्चन में उसको आपने जोड़ लेना है। तो 5:3 है फ्रेंड्स, तो 5 और 3 को आपने ऐड कर लिया, कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्टेप टू क्या करना है आपने, देखिए जो उनका टोटल उम्र का योग दिया है 40 वर्ष, उसमें प्लस करके जो आया था अनुपात उसका भाग देना है। तो 5 और 3 प्लस करके आया था 8, और उनकी आयु का योग है 40, तो 40 में हमने दिया 8 का भाग, ठीक है फ्रेंड्स, 40 में दिया 8 का भाग, तो एक भाग आ गया फ्रेंड्स 5, ध्यान रखेंगे। तो एक भाग की वैल्यू कितनी आई, 5, ठीक है। और राम की आयु का अनुपात है 5, ठीक है, और श्याम की आयु का अनुपात है 3, और एक भाग का कितनी वैल्यू आई, 5। अब जो ये वैल्यू आई ना एक भाग की, आपको इसी वैल्यू को गुणा कर देना है अनुपातों में, और दोनों की अलग अलग उम्र आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कॉमन पॉइंट आया 5, कहने का मतलब जो एक भाग है 5 आया, तो इस एक भाग से आपने क्या करना है, गुणा करना है, तो इस 5 से गुणा करना है राम के अनुपात को। तो 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25, ठीक है, ये आ गई राम की उम्र, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी 5 से क्या करना है, दूसरे वाले को भी मल्टीप्लाई करना है, 5 गुणा 3, तो इससे आ गए फ्रेंड्स श्याम की उम्र, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। समझ में आया होगा क्वेश्चन, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए राम और श्याम की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 5:3, ठीक है, और आयु का जो टोटल योगफल है फ्रेंड्स वो है 40, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर आपने बनाना है, उसके बाद क्या करना है, जो अनुपात दिए गए हैं दोनों की उम्र के उनको जोड़ देना है, कितना आ गया, 8 आ गया। अब उस 8 से क्या करना है, कुल उम्र में भाग दे देना है, ठीक है, और एक भाग प्राप्त हो जाएगा, तो 8×5=40, तो एक भाग जो आता है उसी एक भाग को दिए गए अनुपातों से गुणा करना है आपने, ठीक है। तो दिया गया अनुपात है 5 राम का भाग, और श्याम का अनुपात है 3, तो 5×5=25, और श्याम की आयु आ गई 5×3=15 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, राम की उम्र जहाँ पे 25 वर्ष आई और श्याम की आई 15 वर्ष, ठीक है। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चनों में थोड़ा लेवल बढ़ेगा इसी हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए सुरेश की उम्र रमेश की उम्र की 2 गुनी है,
यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 है तो सुरेश की उम्र क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, सुरेश की उम्र रमेश की उम्र की 2 गुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 साल है तो सुरेश की उम्र क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होती है। मैं यहाँ पे आपको अनुपात वाली मेथड इसलिए दे रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है और क्वेश्चन एक्यूरेट सही हो जाता है। ठीक है, दूसरी मेथड भी मैं अभी आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या किया, देखिए सबसे पहले सुरेश की उम्र और रमेश की उम्र से 2 गुनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, सुरेश की रमेश की उम्र क्या मान ली हमने, 1। ठीक है, और सुरेश की उम्र कितनी होगी, 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे रमेश की उम्र 1 हो गई, सुरेश की उम्र 2 क्यों होगी, क्योंकि सुरेश 2 गुना बड़ा है रमेश से। ठीक है, और उनकी आयु का टोटल कितना हो गया योगफल, 24 साल। तो सेम जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वो बन गया यहाँ पे। तो अनुपातों को जोड़ लिया हमने, ठीक है, 2 धन 1, तो अनुपात का 1 भाग आ गया 3। ठीक है, अब उस 3 से हमने क्या किया, 24 कुल उम्र को भाग देना है। ठीक है, 24 को जैसे हम भाग देते हैं तो ये आ गया 8। तो अब आपकी उम्र आ जाएगी, इस 8 से आपने करना है पहले इसको गुणा 2 को, तो 8 दूना 16, और इस 8 से यहाँ पे 1 अनुपात है तो 8 1 कम 8। ठीक है, तो रमेश और सुरेश की उम्र दोनों आपको मिल जाएंगी फ्रेंड्स। उत्तर की जांच भी करें, देखिए रमेश की उम्र 8 वर्ष आई और सुरेश की उससे 2 गुनी है तो 16 वर्ष। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी है। ठीक है, एक्स की वैल्यूज में आप लेंगे तो स्टेप 2 देखिए मैंने आपके सामने रख दिया। माना रमेश की उम्र कितनी होगी, एक्स होगी। ठीक है, और सुरेश उससे कितना है, 2 गुना बड़ा है, तो सुरेश की उम्र कितनी हो गई, 2x। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप प्रश्नानुसार क्या बोल रहा हो, रमेश और सुरेश की आयु का योगफल कितना है, 24 साल है, तो एक्स धन 2x बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। तो एक्स में 2x जुड़ा कितना हो गया, 3x बराबर 24, तो एक्स बराबर हो गया 24/3, तो 3 का भाग 24 में कितनी बार गया, 8 बार। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो रमेश की उम्र हमने क्या मानी थी, एक्स मानी थी, तो 8 एकम 8 ही हो जाएगी, और जबकि सुरेश की उम्र 2 गुनी थी तो 2x मानी थी, तो 8 दूना 16। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरी मेथड है और अनुपात वाली पहली मेथड है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है, 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन हटके बना है, जैसे अभी तक क्या दे रहा था, वो दोनों अनुपात दे रहा था और उनकी आयु का योग दे रहा था वर्तमान में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, 4 वर्ष बाद उम्र का योग दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है, यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बस यहीं पे ट्रिकी रीजनिंग लगानी है आपने। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 7 गुना है, तो मान लिया देखिए 2 फिगर मैंने बना लिया, एक पिता हो गया एक बेटा हो गया। ठीक है, तो बेटे की उम्र अगर मैं मानूँ 1, तो पिता उससे कितना बड़ा है, 7 गुना बड़ा है, तो 7 हो गया पिता का अनुपात। तो अनुपात में मैं इसको तोड़ रहा हूँ हर बार, ताकि अनुपात वाले क्वेश्चन करने में ईजी हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये 7:1 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो क्या करेंगे, उनकी वर्तमान उम्र का योग ज्ञात करना हमने फ्रेंड्स। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 होगा, तो कहने का मतलब 4 वर्ष पुत्र की आयु भी बढ़ेगी, 4 वर्ष पिता की आयु भी बढ़ेगी। ठीक है, तो टोटल 8 वर्ष बढ़ जाएगी ना आने वाले 4 साल बाद। तो अभी वर्तमान आयु निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, उस 4+4 को जोड़ दिया आपस में और उसको 56 में से घटा देना हमने। तो 4+4 8 हो गया, और 56 में से अगर 8 गया तो उनकी वर्तमान आयु का योग हमें मिल चुका है 48 साल। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग है 48 साल, और उनकी आयु का अनुपात हमको पहले से मिल चुका है 7:1। अब मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था क्या करना है, आपने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने के लिए अनुपातों को जोड़ देना है, 7 धन 1 8, और उसको टोटल जो अभी उम्र है जोड़ के आ रही है उसमें भाग दे देना है। तो 7:1 ये जोड़ा हमने 8 हो गया, और यहाँ पे वर्तमान उम्र आई थी, उम्र का योग आया था 48 साल, तो 48 में आपने क्या किया, 8 का भाग दिया, तो 1 भाग आ गया 6। ठीक है, तो 48 में जब हम 8 का भाग देते हैं तो 1 भाग आ गया फ्रेंड्स 6। अब इस 6 से हमने करना है इनको मल्टीप्लाई, तो पिता की उम्र आ गई 7 गुणा 6 कितनी, 7×6 42 साल, और बेटे का अनुपात सिर्फ 1 था, तो 6×1 = 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पिता और बेटे दोनों की उम्र आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। ठीक है, तो मान लीजिए बेटे की उम्र 1 है तो पिता की कितनी होगी, 7 होगी, तो आपका अनुपात बन गया 7:1। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 होगा, और क्वेश्चनों में क्या दे रहा था, उनके वर्तमान उम्र का योग इतना वर्ष होगा, लेकिन यहाँ पे 4 वर्ष बाद दे रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में क्या किया, क्योंकि 4 वर्ष बाद पिता की भी 4 वर्ष एज बढ़ेगी और बेटे की भी 4 वर्ष एज बढ़ेगी, टोटल 8 साल बढ़ जाएंगे ना कुल आयु का,
तो कुल आयु 56 साल दे रहा, 4 साल बात की वो, तो 8 साल दोनों के घट गए इसमें से, 4 4 साल, तो अभी की वर्तमान आयु 48 आएगी। तो फिर क्वेश्चन तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही बन गए, ठीक है। तो फिर आपने करना है अनुपातों को जोड़ना है, 7:1 है तो 8 आ गई वैल्यू। अब आपने एक भाग निकालना है, तो वर्तमान उम्र आई थी 48, उसमें एक भाग निकालने के लिए 8 का भाग दे दिया टोटल अनुपात का, तो एक भाग आ गया 6। अब उसी एक भाग को हमेशा गुणा करना है जो भी अनुपात आपके पास है फ्रेंड्स, तो 7 से ये करना है और 6 को 1 से करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वर्तमान उम्र उनकी आ जाएगी, ठीक है, काफ़ी ईजी। अब इसी क्वेश्चन को एक्स वाले मेथड में रख के कैसे सॉल्व करना है, देखिए। तो पिता की, माना बेटे की उम्र कितनी है, एक्स वर्ष है, तो पिता उससे 7 गुना बड़ा है, तो 7x हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब वो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। तो देखिए 4 वर्ष बाद, तो एक्स धन 4 किया मैंने, बेटे को उसमें 4 साल जोड़ा, 7x धन 4 पिता की उम्र में भी 4 साल जोड़ा, और इनका योग कितना हो रहा है 56, तो ये हमारा समीकरण बन गया। तो अब हम सबको ऐड करते हैं, एक्स प्लस 7x हो गया कितना 8x, 4 और 4 धन हो गया 8 बराबर 56, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व करना है आपने आगे को, तो 8x बराबर कितना हो गया 56 ऋण 8, क्योंकि प्लस का 8 इधर है, इधर जाके माइनस का हो जाता है, ठीक है, पक्षांतर हो गया। तो 8x बराबर कितना आ गया 48 आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अगर 8x बराबर 48 आए तो x = 48/8, तो 8 6 48, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं आराम से, अगर एक्स की वैल्यू 6 आ गई तो बेटे की हमने क्या मानी थी वैल्यू, माने बेटे की उम्र एक्स मानी थी, तो बेटे की तो 6 हो गई सिर्फ, क्योंकि एक्स सिंगल गुणक में है, और पिता की उम्र कितनी मानी थी 7x, तो एक्स की वैल्यू रख देनी आपने, 7 × x की वैल्यू 6 है, तो 7 × 6, तो बेटे की उम्र आ गई 6 वर्ष और पिता की उम्र आ गई 42 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए इनको, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए इस टाइप के, एक बार उनको ध्यान से देखेंगे ना आप, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको इन क्वेश्चनों में, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा इनको। तो फ्रेंड्स सिंपली आप इनको हल कर सकते हैं, ठीक है, कोई कठिन नहीं है क्वेश्चन। कभी भी मैंने आपको बता दिया, जब अनुपात आता है तो अनुपात को क्या करना है, आपने 2 डिवाइड करके ऐसे लिख देना है, उसके बाद कुल आयु को लिख देना है ऊपर पे, फिर अनुपातों को जोड़ लेना है, ठीक है। अनुपातों को जोड़ने के बाद कुल आयु में उसका भाग देना है, तो कुल आयु में भाग देने के बाद जो कॉमन आएगा या एक भाग आएगा उससे अभी वर्तमान अनुपातों को गुणा कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी दोनों की सेपरेट एज निकल जाएगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का प्रयास जारी रहेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से इन मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।